சதக்கி நாதா பாரக்கேனி பாஸ்டர் பவல் தேங்க் யூ जैसे कि वन जैसे कि कप्तान ने बोला 178 मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा टारगेट है, ग्राउंड छोटा है, अब बड़ा हो क्योंकि लेकिन यहाँ पे वही एडवांटेज वही होता है कि कभी भी आप ये कर सकते हैं। हम इतने ओपोजिट है मतलब कि उस पर बॉलर स्ट्रेंथ इतना था क्या बोलेगा। हाँ वही मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि विकेट कभी नीचे रह रहा था कभी ऊपर आ रहा था, तो उसी कारण से और जो मतलब एक्चुअली जो पेस खेलते हैं हम लोग मतलब उससे बहुत ही ज्यादा कम था शायद उसका एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। सो अंत में आपने जाकर 104 की नाबाद पारी खेली और एक शानदार पारी खेली, इसका कुछ आप अपने टीम से टीममेट से या कप्तान से कुछ क्रेडिट देना चाहेंगे? मतलब रह नहीं रहे तो अभी हम घर से आए थे सीधा वहाँ से क्योंकि थोड़ा पर्सनल कुछ रीजन है जज भाई ये लोग सर रह नहीं पा रहे, तो वही रास्ता में मतलब प्रैक्टिस मैचेस में हमने दो मैचेस खेला था उस पर हमने, तो मैंने उस पर कुछ किया नहीं था, तो लाइक हमारा कोच संजू ठाकुर थे वही काफ़ी एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, तो रास्ते पर हम दोनों वही बात करके आ रहा था कि मतलब कि कैसा खेलना चाहिए, तो उसको भी थोड़ा अच्छा नॉलेज है क्रिकेट, वो बड़ा लेवल खेल चुका है वो भी, लेकिन उससे वही डिस्कशन करके आज वही बोल रहा था कि मतलब लास्ट तक ट्राई करो खड़ा करने के लिए, तो वही कह रहा मैंने आज तो रिजल्ट भी अच्छा है। क्या मैं एमपी जी आपसे जान सकता हूँ आपका टीम में से सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी आपकी नज़र में आपके लिए कौन है? मेरा नज़र में तो जो सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी है वो आज पानी पिला रहा था दादो ताचम। ओके थैंक यू सो मच कंसाई एमपी जी मैन ऑफ द मैच। विरोधी टीम ने यानी वजाली टीम ने जीता था और उन्होंने पहले बल्ला घुमाने की फैसला, अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या करते? हम तो चेसिंग ही करने वाला था तो टॉस जीतने से भी हम चेसिंग में ही था क्योंकि छोटा ग्राउंड है और हम लोगों का साथ बैट्समैन सब एक्सपीरियंस बैट्समैन है, 4-5 बैट्समैन एक्सपीरियंस है, तो चाहे 220 भी हो शायद हम क्लोज तक ला सकता है, तो ऐसा बैट्समैन है इसलिए हम फील्डिंग पहले लेना था अगर टॉस जीतता। और आपके विचार से 177 जो आपके लिए चेजेबल टारगेट है या आसान है? बॉलर रोका है, हम लोग टीम मीटिंग में बोला था कि अगर कोई भी ओपोजिशन बिलो 180 या 180 या 190 तक टारगेट देने से भी हम चेस कर सकता है क्योंकि हमारा साथ वो बैटिंग स्ट्रेंथ है और ज़्यादातर बैट्समैन टेस्ट भी नहीं हुआ है, एक ही विकेट गया है आप देखा है, तो हम कर सकता है 180-190 हमारा टीम के लिए वो ये नहीं है, मतलब वो जो ओपोनेंट सोचता बड़ा है वो गलत है, हम चेस कर देगा। ओके थैंक यू सो मच मिस्टर निकल सोनिया, आप इस तरह क्रिकेट एसोसिएशन का कप हम बोल रहे था तो 177 टारगेट जो हम लोगों ने ठीक था मेरे हिसाब से, हम जो बैटिंग किया वो हिसाब से ठीक था, लेकिन अचानक भी बॉलिंग का डिपार्टमेंट मेरा थोड़ा कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, उसका वजह से थोड़ा गेम पलट गया मतलब। ओके थैंक यू सो मच, दिस इज सोपिन कप्तान वजाली सर्कल क्रिकेट एसोसिएशन, अगले मैच के लिए।